नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बीते सोमवार को मध्य प्रदेश के हरदा जिले में किसानों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर प्रदेश की कमलनाथ सरकार को चेतावनी दी है। दरअसल किसानों ने पूरे प्रदेश में अनोखे तरीके से रैली निकाली, जिसमें किसानों ने मुंह पर काली पट्टी बांध कर पूरे शहर में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये किसान अतिवृष्टि से खराब हुई उनकी फसलों की मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे। किसानों का यह आंदोलन आम किसान यूनियन के आह्वान पर शुरू हुआ, जिसे उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खत्म किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हरदा जिले के SDM HS चौधरी को सौंपा। इसी के साथ किसानों ने प्रशासन को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्दी अतिवृष्टि से खराब हुई किसानों की सोयाबीन की फसल की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि हरदा जिले में कुल 1,80,000 हेक्टेयर रकबे में खरीफ की फसल लगी थी, जिसमें कुल 1,51,000 हेक्टेयर के रकबे में सोयाबीन की फसल लगाई गई थी। बाकी बचे क्षेत्र में मक्का, उड़द और अन्य फसलें बोई गई थी, मगर जिले में हुई अतिवृष्टि से किसानों की लगभग सारी फसल खराब हो गई है, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर ही बीते सोमवार को किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आज से किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि इसके लिए किसान मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के 319 केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवम्बर से शुरू होगी, जबकि मूंगफली की खरीद 7 नवंबर से शुरू की जाएगी। बता दें कि मूंग के लिए 150, उड़द के लिए 60, मूंगफली के लिए 72 और सोयाबीन के लिए 37 खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं पिछले साल के हिसाब से इस साल 19 खरीद केंद्र ज्यादा खोले गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। पंजीकरण के लिए किसान निर्धारित शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान किसानों को भामाशाह कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी और बैंक पासबुक देनी होगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को धान की अच्छी खासी पैदावार के लिए जाना जाता है, जिसके चलते जहां एक तरफ जिले के किसान इस साल हुई अच्छी बारिश के चलते धान की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद किए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धान की फसल में लगे रोग से किसानों की चिंता बढ़ गई है। अब जब धान की फसल में बालियां आने की कगार पर हैं, तो वहीं गंधी कीट ने धान की फसल पर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये कीट फूल खाकर उत्पादन को कम कर देता है। इससे शुरुआत में धान के पत्तों में लाल रंग के चकते होने लगते हैं। इस साल जहां अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी थी, तो वहीं अब इस रोग के चलते किसान एक बार फिर निराश दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।